प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों को केनाल रोड निर्माण से प्रभावित लोगों को आवंटित किया जाना था, जिन्हें आवास आवंटित किए जा चुके हैं। अब बचे हुए आवासों को किराए पर रहने वालों एवं अब भी झुग्गी झोपड़े में निवास करने वालों को आवंटित करने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। केनाल रोड के निर्माण के समय कुछ लोगों के आवास तोड़ने पड़े थे और इससे प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित किया जाना था, जो प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और इनमें से कुछ प्रभावित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे अब बचे हुए आवासों को निगम क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों और किराए में रहने वाले लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वे इसका लाभ उठा लें। वे सभी लोग इन आवासों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए निगम भिलाई के काउंटर नंबर 16 को विशेष तौर पर इस योजना के लिए खोला गया है, जहां हितग्राहियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। इस योजना के तहत पूर्व में भी फॉर्म भरवाए गए थे और उनका सर्वे भी किया गया था। जिन हितग्राहियों के पास वह सर्वे नंबर है, उन्हें इन मकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी और जो हितग्राही नए हैं, उनका पहले सर्वे किया जाएगा, उसके बाद उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। देखिए, आवेदन लेना जो है निगम प्रशासन ने प्रारंभ कर दिए है। जो झुग्गी झोपड़ी और गैर झुग्गी झोपड़ी में जो निवासरत ऐसे किराएदार हैं, आवासहीन व्यक्ति हैं, जिन्हें आवास की जरूरत है, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। वो जो है आवेदन ले करके आवेदन अप्लाई कर सकते हैं आवास के लिए। इसमें जो क्राइटेरिया है वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। जो आय है वो 3 लाख रुपए से वार्षिक आय कम पूरे परिवार का होना आवश्यक है। इस प्रकार से जो है क्राइटेरिया, भारतवर्ष में कहीं पर भी उनका पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। इस 3-4 क्राइटेरिया के तहत में जो व्यक्ति आवास के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो सिस्टम है उसके बाद में आवेदन लेने के बाद की जो प्रक्रिया होगी, हो सकता है लॉटरी सिस्टम हो, इसकी प्रक्रिया जो है वो शासन के अधीन की प्रक्रिया है। अभी हम लोगों ने आवेदन लेना प्रारंभ किया है और लोग आ रहे हैं आवेदन लेने के लिए। हमने कक्ष क्रमांक 16 के काउंटर को नियत किया है और वहाँ पर आवेदन लेकर के जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में, मोर जमीन मोर आस के तहत में, वो अप्लाई कर सकते हैं। सर, फॉर्म का कुछ शुल्क लिया जा रहा है? देखिए, फार्म का शुल्क जो है नॉमिनल शुल्क है, 100 रुपये फार्म का शुल्क है। और फार्म जो है वो केवल जो है नगर पालिक निगम भिलाई के कक्ष क्रमांक 16 से जो फार्म मिल रहा है वहीं से लेना होगा, बाहर से कोई भी फार्म जो है वो मान्य। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त की मंशानुरूप भिलाई शहर के सौंदर्यीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि शहर में झुग्गी झोपड़ी न हो, बल्कि उसकी जगह पक्के मकान होने चाहिए। और यह सपना हर इंसान का होता है कि उसका अपना एक मकान हो, जिसे नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।